शेख बैठ रहे हैं, ज्यादा अंग्रेज बन रहा है। सलाम शेख, क्या हाल है? आज अपन तेरे लिए मिक्स प्लेट लाया है क्या? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मिक्स प्लेट क्या चीज है। असल में जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आज के प्रोग्राम में क्या करें, तो हम मुख्तलिफ अला बला इकट्ठा करके एक प्रोग्राम में डाल देते हैं। यानी कि एक लम्हे अगर आप डाकू का इंटरव्यू देख रहे होंगे तो दूसरे लम्हे आप टूथ पाउडर का ऐड देख रहे होंगे। और इस चीज का नाम है मिक्स प्लेट, यानी कि अला बला। लेकिन आप लोग ये मत समझे कि हम आपको अला बला दिखा रहे हैं, हम तो आपको मिक्स प्लेट दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा कि इब्राहिम ने आपको बताया कि मिक्स प्लेट असल में अला बला ही है, तो हम आपको मिक्स प्लेट की आड़ में अला बला दिखा रहे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं मिक्स प्लेट। नहीं, अला बला, व्हाटएवर। सो फोक्स, वी आर बैक। तो फिर अंग्रेजी बोला क्या? हाँ, तो व्यूअर्स, हमें पता लगा कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? खैर, कोई बात नहीं, हम जो हैं आपको बताने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, और सेगमेंट का नाम है स्पोर्ट्स बस। अब आया ना लाइन पे। स्पोर्ट्स बस के साथ आपके सामने हाजिर है। फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल का नाम फुटबॉल से चेंज करके बॉक्सिंग रख दिया है। अब आयदा होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप बॉक्सिंग वर्ल्ड कप होगा, जबकि बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप तो होता ही नहीं। पिछले दिनों सलीम जावेद ने एक मैच की इंपायरिंग की। कहा जाता है कि ओपनर ने 70 गेंदों पर 70 चौके लगाए, जबकि मुखालिफ टीम का कहना है कि एक भी गेंद बैट से नहीं टकराई, जबकि एम्पायर यानी सलीम जावेद का कहना है कि आइए आइए। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन ने दावा किया है कि आइंदा होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा है। तो आइए चलकर देखते हैं क्रिकेट टीम पर एक फिल्म रिपोर्ट। उधर उधर सिक्सर, 6 रन, एक और छक्का। ये है जाहिद अफरीदी, तो 6 बॉलों पे 6 छक्के मार सकते हैं। जाहिद आउट। मैं एक बॉल पे एक मरतबा आउट भी हो जाता हूं। एक्सक्यूज मी, ओवरी बाबा जॉन्टी, क्या हाल है? बड़ी करोड़े साई, आप गए थे वो फुटबॉल कोला के दफ्तर, क्या बना? अरे फुटबॉल कोला वाले कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुमको एक ही नारा मारना होगा, जनरेशन प्रीवियस। देखिए, तो कोई मसला ना हुआ? और भाभी घर में ठीक है? बच्चा ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, बड़े खुश हैं 12 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप पर। बाबा एक मिनट, अभी आया। किसी ने देखा तो नहीं? खेत है तो खलियान है, खलियान है तो बहारे हैं, बहारे हैं तो फल हैं, फल हैं तो मसाइल हैं, मसाइल हैं तो उनका हल है, और जहाँ हल है वहाँ यकीनन हकीम साहब का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मसाइल और उनके हल के साथ डॉक्टर फैसल और हकीम इब्राहिम हाजिर है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूं होता है कि आप अपने मसाइल हमें अपने खतूत में लिखकर भेजते हैं और हकीम साहब उनका जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं पहले मसले की तरफ। ये खत लिखा है हमें फरजाना ने मियां वाली से। ये लिखती है कि मेरे मियां बहुत मारते हैं। ये आपके मियां दरअसल एक बीमारी का शिकार है, और गालिबन अभी उस बीमारी की पहली स्टेज पर है कि आपको मारते हैं। इसकी अगली स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज में होगा कुछ यूं कि आपके शौहर अक्सर घर से बाहर रहने लगेंगे, और इसकी आखिरी और फाइनल स्टेज में होगा कुछ यूं कि आपके शौहर हमेशा के लिए घर से बाहर रहने लगेंगे। फिर आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि आपके शौहर आपको मारते हैं। बहुत खूब हकीम साहब, बहुत अच्छा तज्जिया करके इन्होंने हकीम साहब ने आपको बताया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे खत की तरफ। ये दूसरा खत हमें लिखा है अजीज साहब ने फारूकाबाद से। ये लिखते हैं कि 10 साल पहले मैंने एमए किया था मगर नौकरी नहीं मिलती। 10 साल पहले एमए किया तुमने, 10 साल पहले का कोर्स आउटडेटेड हो चुका है। मेरे ख्याल है तुम तो एफए से बल्कि मैट्रिक से दोबारा तालीम हासिल करनी शुरू करो, फिर तुम्हें शिकायत नहीं होगी कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। बहुत खूब हकीम साहब, बहुत ही शाइस्ता अंदाज में बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं हकीम साहब, आपने नोट किया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे खत की तरफ। ये खत हमें लिखा है राहत साहब ने कातलाबाद से। ये लिखते हैं मुझसे कत्ल हो गया है, क्या करूं? अब कोई बड़ी बात नहीं, कत्ल तो अक्सर आपसे होते रहते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर तो किसी ने आपको कत्ल करते नहीं देखा, तो आप ऐसा कीजिए, लाश को अपने घर के पिछले सहन में दुबा दीजिए। लेकिन दूसरी सूरत, अगर आपको कुछ लोगों ने कत्ल करते देख लिया है, तो पहले आप उन लोगों को कत्ल करें और उनकी लाशें इकट्ठी करें, फिर सारी लाशों को इकट्ठा करके अपने घर के पिछले सहन में दफन कर दें, और उसके बाद घर को किसी फर्जी नाम से बेचकर बैरूने मुल्क शिफ्ट हो जाए। इससे बेहतर हल नहीं मैं बता सकता। बजा फरमाया आपने हकीम साहब, बिल्कुल सही मशवरा है। मैंने भी एक दफा कत्ल किया था तो इसी तरह किया था। ये आखिरी खत हमें लिखा है फारूक साहब ने।
ये लिखते हैं कि मेरी शर्ट पर दाग पड़ गए हैं, हर तरह का शैम्पू और साबुन इस्तेमाल कर लिया मगर कोई फायदा नहीं। हकीम साहब आपकी कोई मशवरा दी। फारूक का खत है। जी हाँ। रहता कहाँ है? ये रहता है मेरे मोहल्ले में। ओए फारूक, ओए 10 साल से तू एक ही शर्ट इस्तेमाल कर रहा है, अब और कितनी इस्तेमाल करेगा? दाग नहीं पड़ेंगे तो क्या, उसमें तो छेद भी होने चाहिए। 10 साल में इसने कम से कम 10 मन आम खा लिए। आम खा छोड़ दे, घर में मिलता हूँ तुझसे। अशरफ से तो आप वाकिफ ही होंगे। अशरफ? कौन अशरफ? मैं तो वाकिफ नहीं हूँ। तुम खुद हो अशरफ। मैं अशरफ हूँ? हाँ हाँ, याद करो याद करो याद करो याद करो। अशरफ बचपन ही से खेलों का शौकीन था। काशिफ तुम मेरी टीम में आ जाओ, और तुम मेरी टीम में आ जाओ, सलीम तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम मेरी टीम में आ जाओ। अशरफ तुम ऐसा करो अंपायर बन जाओ। फिर एक दिन अशरफ को कॉलेज टीम में चांस दिया गया। सलीम भाई, सलीम भाई, वसीम भाई कह रहे हैं एक रन तो बनाने। अशरफ ने दिन रात मेहनत की। अशरफ ने क्रिकेट में आते ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। चलता ही नहीं है। क्रिकेट के अलावा अशरफ को फुटबॉल से भी शदीद लगाव था। अरे मेरा फुटबॉल कहां गया? अशरफ फुटबॉल का जदीद तरीन इस्तेमाल जानता था। ओए ओए ये क्या है? ओए अल्लाह की कसम नमक है। आखिरकार अशरफ को चांस मिल ही गया तो उसे मालूम पड़ा। क्या टेनिस बॉल से नहीं खेलना? अशरफ ने अपने पहले ही मैच में बे इंतहा रन्स बनाए। सलीम भाई प्लीज किसी और को रनर बुला लें, मैं थक गया हूँ। इतनी काविशों के बावजूद अशरफ को वो मुकाम ना मिल सका जिसका वो हकदार था, तो उसने फैसला किया अब मैं गोल्फ खेलूंगा। क्या अशरफ ने गोल्ड मेडल जीता? क्या अशरफ एक कामयाब एथलीट बन सका? क्या उसने रात को सोने से पहले दांत साफ कर लिए? हमें क्या पता है ना। मैं सलाम अलैकुम, मैं अशरफ के अब्बू हूँ। लोग कहते हैं कि अशरफ बिल्कुल मुझ पे गया, झूठ बोलते। देखो अशरफ की तो मुझे नहीं थी, मेरी तो मुझे, अशरफ तो ऐसा था। पता नहीं, मुझे मेरी हमसाय ने बताया कि जिस दिन अशरफ पैदा हुआ था उस दिन हमारे गांव में 333 बच्चे पैदा हुए थे। पता नहीं अशरफ को मेरे घर ही क्यों पैदा होना था, मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों थी कि अशरफ मेरे घर पैदा हो गया, कहीं और पैदा हो जाता कोई और बच्चा क्यों ना आ गया। खैर अब रोने से कोई फायदा नहीं, चले बताता हूं अशरफ के बारे में कुछ। ये बात है जी 22 दिसंबर 1974 की, कि जब बालाकोट से 10 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव है। पैदाइश के दिन ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिल गया। कहाँ है मेरा बेटा? अशरफ वो बच्चा था जिसमें पैदाइशी तौर पर वो तमाम खूबियां थी जो किसी नौजवान में होनी चाहिए। माशाल्लाह जी, बचपन से ही उसके अजायम बहुत बुलंद थे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, दुश्मन का एक एक जहाज तबाह कर दूंगा। अंकल टोकन खत्म हो गए। बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौकीन था। दिल किसी का दोस्त नहीं, सितारे मोहम्मद अली जेबा शान, देखूं कि ना देखूं। देखिए जी मैं अशरफ का अब्बू हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखिए खुदा के लिए मेरे पे उंगलियां नहीं उठाएं। अल्लाह ना करे अशरफ आपके घर भी पैदा हो, अगर पैदा हो गया तो आपको लग पता जाएगा। मेरे पे उंगलियां नहीं उठाना भाई। सलाम अलैकुम।